fabulous. Uh, vivek, we all have been waiting for this trailer from a long time, but you know, uh, just five days before this tra trailer is released today, several opposition parties have written letter to election commission demanding election commission to put a ban on this film uh, during this particular period of uh, one and a half, two months. how do you see this coming? well, uh, i think दो लोग इस पर जवाब दे सकते हैं एक संदीप सिंह है क्योंकि उन्होंने ये सारी चीजों को हैंडल किया है और दूसरे हमारे लॉयर साहब हैं हितेश जैन तो आई थिंक संदीप आप बताएं संदीप यू नो जस्ट फोर डेज बैक सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस ऑन दिस फिल्म ड्यूरिंग इलेक्शन पीरियड बिकॉज दे फील दैट दिस फिल्म इज अ प्रोपोग फिल्म and this will एंड दिस विल भी यूज एज अटिकल टूल टू get votes for the Bharatiya Janata Party. How do you see this coming? So आपके सवाल का बड़ा सिंपल जवाब है हम फिल्म मेकर हैं वो दूसरे पार्टी के पॉलिटिशन्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं हमने अपना काम किया है और रही बात प्रभागिंडा फिल्म की तो आपने ट्रेलर देख लिया है अब आप लोग जर्नलिस्ट हैं आप लोग डिसाइड किया जब फिल्म रिलीज़ हो जाएगी कब रिलीज होना है फिल्म कैसे होना है उस पर हम ध्यान दे रहे हैं हम फिल्म मेकिंग पे ध्यान दे रहे हैं हमको ये नहीं देखना कि कौन क्या बोल रहा है किसको कहाँ लेटर भेज रहे हैं हमको सिर्फ ये देखना है कि हम एक सही तरीके से एक सच्ची कहानी को सामने ऑडियंस के सामने रखते हैं सबसे पहले तो संदीप सफर कैसे शुरू हुआ नरेंद्र मोदी और उनमें ऐसी क्या बात लगी आपको ऑन इंस्पायर थैंक यू अनिरुद्ध वेलकम एवरीबॉडी। गुड इवनिंग एंड पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि इवेंट शुरू लेट हुआ कुछ रीजंस होते हैं जिनको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होते हैं तो इसके लिए रियली रियली सॉरी फ्रॉम एवरीबॉडी एंड रहा बात आपके सवाल का तो ये सवाल का जवाब मैं शुरू से देता आया हूँ कि पीएम नरेंद्र मोदी पे फिल्म क्यों क्यों नहीं मेरा जवाब ये है क्योंकि एवरीबडी लुक्स एट हिम लाइक अ पॉलिटिकल फिगर एंड आई थिंक इट्स टाइम टू लुक एट द पॉलिटिकल फिगर्स एज ह्यूमन बींग ऑल्सो ही वॉज अ सिंपल पर्सन अ चाय वाला हु बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर एंड द जर्नी इज़ इनक्रेडिबल So I think that should be noticed. And I wish uh, producers could have noticed this before and could have made this film much before th than today. Uh, and then when Umang came on board, we started the journey. And it was simple. We made the film. The most inspiring thing about Modiji that has somehow uh, influenced you in your own personal life? I think Modiji has inspired everyone, not only me. Uh, somewhere down the line, people who are sitting here, they are all uh, get inspired by somebody or the other. But uh, a personality and a human being like uh, Narendra Modi ji does inspire everyone, and that's why when he came and he was nominated as a prime minister, he won with such a big, uh, you know, majority, and that shows. So it's not that ki individually anybody has to like me get inspired.

Um, you've always inspired the nation with your biopics, uh, whether it's Mary Com, whether it's Sarabjit, and now of course PM Narendra Modi. So, what is it about Modi ji? And uh, tell me about your journey. Uh, <coughs> a. am a very neutral person to start with. Okay, when uh, Sandeep asked me about whether this would be possible and whether I would like to direct this film, and yes, biopic ka jo jai, mera jo third you you know door hai, wo मैं नहीं चाहता था लेकिन अब बन गया हूँ बायोपिक डायरेक्टर तो बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ हर बार क्योंकि वाई नॉट ओके okay? मैं खुद से क्वेश्चन पूछता हूँ लेकिन चलेगा आई एम गुड एट इट आई डू इट नाउ कमिंग बैक टू दिस फिल्म वेन यू आस्क मी यू नो बहुत बड़ी जिम, जिम्मेदारी आ गई मेरे सर पर कि कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा लेकिन द स्टोरी इज सो इंस्पिरेशनल दैट आई सेट अगर मैं नहीं करूंगा तो कोई और कर देगा तो मैं क्यों नहीं करूं बिकॉज आई लव द यू नो कैरेक्टर्स ग्रोथ फ्रॉम अगर मेरे को किसी ने बोला होगा साठ साल पहले कि एक चाय वाला ये जो है ना ये बनेगा पी एम बढ़ाओ के तो कोई बिलीव नहीं करेगा लेकिन वो बन चुका बन के ऐसा दिखाया कि पूरा नेशन खड़ा होकर कि ये है एंड आई एम सो इंस्पायर्ड एंड आई है या स्ट्रगल स्टोरी दैट कैन इंस्पायर एनी वन एंड एवरी वन कि मैं भी बन सकता हूँ एक दिन प्राइम मिनिस्टर वो हमारी फिल्म में एक लाइन भी है बहुत अच्छी तरह कि कोई भी बन सकता है एंड ही डिड इट एंड वी ऑल एंड दैट्स व्हाई आई डिड दिस फिल्म आपके लिए क्या कहूँ मैं आपका तो नाम एक चमत्कार है क्योंकि आपका पूरा नाम उनसे मिलता है जिनकी पूजा करते हैं श्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद और कमाल की बात यह है शायद आप लोग जानते हैं कि विवेकानंद जी का असली नाम नरेंद्र है और अब आप नरेंद्र मोदी जी का रोल अदा कर रहे हैं ये कैसी किस्मत है जो जिसने आप तीनों को जोड़ा है सबसे पहले तो इसके बारे में कहिए है कुछ यू थिंक दिस रोल गुड इवनिंग एवरी वन थैंक यू फॉर बींग सो पेशेंट आई थिंक डेस्टनी इज इट वर्क इन मिस्टीरियस वेज आपको खुद जाके आपकी किस्मत मिल जाती है कहीं ना कहीं Uh, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सब जितने लोग यहाँ हैं मीडिया वाले मैं वेर एव बी आर इन लाइफ हम सब ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल का फेज एक्सपीरियंस किया है मैंने किया है And हम सबको लगता है कि मेरी स्ट्रगल बहुत डिफिकल्ट रही बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग दिस रोल दिस कैरेक्टर अब मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट हैव द राइट टू से मैंने स्ट्रगल किया है जो मैंने नरेंद्र मोदी जी की स्ट्रगल देखी है और विथ अ स्माइल एंड विथ अ सिंगल माइंडेड पर्पस ऑफ सर्विंग द नेशन जो उन्होंने अचीव किया है उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने स्ट्रगल किया uh, what is your biggest challenge in taking on this role? Were you intimidated at all? Of course, it's a you're, you're portraying a living legend. ही इज अ मैन दैट हैज कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ पीपल दो लव हिम दोट इम डू बोथ विद इंटेंसिटी जितना लोग उनको जैसे अभी पहली बार हमारी पिक्चर में डायलॉग भी है कि एक आला नेता जिसके समर्थक उसे uh, जिसके समर्थक अपने आप को छाती ठोक कर भक्त कहते हैं तो पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पॉलिटिशियन के लोग uh, भक्त हुए हैं सर टू To, to reach that level and and then to be able to try and portray that on screen it was a big challenge, but I'm just thankful for the opportunity. Because challenges make you who you are. And one final question before we also start the Q and A uh, Tumang, that for you was it also very very challenging as a director uh, to have a balanced perspective about a man about whom so much has been written about and so much has been said. So it must have been very very tough for you to keep that balanced perspective. Like I said. <coughs> I must be the most neutral person in this whole film, <coughs> because I I don't get uh, you know influenced by other people as what people read अच्छा ये कहाँ कहाँ गया है इनके बारे में कहाँ मैं वो नहीं देख रहा था मैं एक इंसान की कहानी बता रहा था it was a very simple story for me okay I need to see his struggle and I need to see his goal and what he's become and I did that I am not you know anything about politics and all बहुत स्ट्रेटफॉर्ड मैं काम करता हूँ because मेरे को एक journey दिखानी थी और वो जर्नी हमने दिखाई है इस फिल्म में इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू ऑल टू स्टार्ट द क्यू एंड ए सेशन एंड वी गो टू टेक लीव हियर फॉर सम टाइम माइक माइक ओके सोहेल आपके यहाँ पर लेफ्ट में विवेक हाँ yes, बहुत बहुत बधाई हो आपको थैंक यू लुकिंग फैबुलस ट्रेलर वेरी फैबुलस सबसे पहले तो यही अटायर में आने के लिए एक्चुअली किस तरह से आपने सोचा नॉर्मली इस तरह से नहीं होता है अब जो प्ले कर रहे हो नरेंद्र मोदी जी का रोल उसी भेज में आप आए हो सबसे पहले वो और जब आपको सबसे पहले ऑफर किया गया था। किया गया था तो डिड यू यू बिलीव इन के वुड लुक लाइक नरेंद्र मोदी जी तो पहले सवाल का जवाब ये है कि स्ट्रेटजी नहीं थी कोई प्लानिंग नहीं थी कि मैं इस तरह तैयारों के आऊँगा हम मॉन्टास शूट कर रहे थे मड आइलैंड में और लेट हो गए तो फेरी पकड़ के यहाँ पे आ गए और मैं अभी ये फिनिश करके वापस जा रहा हूँ मेरे डायरेक्टर को पकड़ के हम शूट करने हैं अच्छा तो फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है लास्ट तो मॉन्टाश सच का नाम oh. सच का सामना सच से करना चाहिए <laughs> तो लास्ट मॉन्टास बिट फिल्म कंप्लीट है बस एक शूट करना था दूसरी बात uh, लोगों ने बहुत सोचा कि नरेंद्र मोदी पर फिल्म बनानी चाहिए बहुत बढ़िया कहानी है सोचा बहुत लोगों ने लेकिन किया संदीप सिंह ने मेरे पास आए और मुझे काफी लंबा समय लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि ये फिल्म बनानी है मैं आपके साथ बनाना चाहता हूं तो मुझे लगभग कम से कम तीस सेकेंड लगे बताने के लिए कि यस मैं कर रहा हूं आई डोंट नो आई बिलीव माई टीम बिलीव माई डायरेक्टर बिलीव दैट मे बी आई हैव डन जस्टिस टू दिस लेजेंडरी कैरेक्टर बट जितने सालों से मैं उन्हें जानता हूं मैंने हमेशा उनको एक इंस्पिरेशन माना है सर आपने जो भक्त की बात की तो आई यू भक्त आल्सो ऑफ नरेंद्र मोदी जी मैं uh, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम आदमी नहीं हूँ मैं थोड़ा बैलेंस्ड आदमी हूँ बट um, मुझे अप्रिसिएशन है भक्तों की भक्ति के लिए और क्रिटिक्स की क्रिटिसिज्म के लिए uh, विवेक विवेक ऑन योर लेफ्ट दिस इज सिमरन सिंह कंग्रेचुलेशन फॉर यू टू यू एंड द टीम फॉर द मूवी यो थैंक यू सिमरन हाँ जी सो so, मेरा सवाल आपसे है कि इन जनवरी द फिल्म वाज अनाउंसड एंड इन 38 डेज द फिल्म इज रेडी टू यू नो टू शोकेस एंड इन 38 डेज द फिल्म हैज बीन रेडी सो एंड इट्स रिलीजिंग जस्ट अ वीक बिफोर लोकसभा इलेक्शन सो इट्स मोर देन कोइंसिडेंस इजंट इट मैं इसका जवाब एक ही लाइन में कहना चाहूंगा मोदी है तो मुमकिन है ओके अन थिंग सो देयर इज अनदर क्वेश्चन सो जब बायोपिक आती है समवेयर अराउंड बायोपिक इज ओनली बेस्ड ऑन वाइट वॉशिंग और एवरीथिंग जस्ट शोइंग द थिंग्स सो ये मूवी कितनी अलग हो सकती है डू वी गेट टू सी द रियल दैट रिलेटेड टू द पॉलिटिशियन यू कॉन्ट्रोवर्सी पे मेकअप भी जवाब दे सर आप भी जवाब दीजिए और मेकअप प्लीज जवाब दीजिए थैंक यू मैं इतना ही कहूंगा कि आप ट्रेलर दोबारा देख लीजिए सर वो देखा है सर बट बत, आप बता सके अगर like. हेलो विवेक रवि गुप्ता सर नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत है यू नो जो कहते हैं वो करते भी है और मौजूदा दौर के काफ़ी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है uh, उनकी कोई क्वालिटी जो आपको पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है और उसे आप रियल लाइफ में आप रिटेन करना चाहते हैं मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट सवाल है इसीलिए क्योंकि बहुत सारी हैं और मुझे लगता था कि मैं उन्हें जानता हूं जितने भी मेरे उनसे इंटरेक्शन रहे कई सालों में ओवर द इयर्स एज ए न्यूट्रल पर्सन लेकिन जब मैंने फिल्म की रिसर्च करना शुरू की जब हमने मटेरियल निकाला पढ़ा और हमने डिस्कस किया स्क्रिप्ट के दौरान तो ऐसी ऐसी चीजें निकली तो कहीं ना कहीं अंग्रेजी में एक शब्द है फोर्टिट्यूड कि चाहे सामने कोई कठिनाई हो चाहे सामने कोई बाधा हो वो डरते नहीं अगर उन्होंने मन बना लिया कि मुझे ये अचीव करना है उनकी नियत साफ़ है उनका विजन क्लियर है तो वो करके रहेंगे इस बात से मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ